बॉलीवुड इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर देश के लोग काम करके अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। वैसे तो कई सारे देश के एक्टर्स और एक्ट्रेस ने यहाँ पर एक्टिंग करके खूब पहचान हासिल किया है, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है जब किसी इंडस्ट्री का बहुत ही ज्यादा नामी चेहरा बॉलीवुड की मूवी में काम करे। आज मैं आपको इस वीडियो में बॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। नंबर 1, सिल्वेस्टर स्टोलेन। स्टोलेन को हॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। इन्होंने कई सारी हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करके खूब पहचान हासिल की है। इनकी रैम्बो फिल्म आज भी लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। इनकी शुरुआती करियर की रॉकी फिल्म ने तो आग ही लगा दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दे, कमबख्त 6 में स्टोलेन द्वारा कैमियो रोल किया गया था, जिसमें वह एंड टाइम पर आकर करीना कपूर को गुंडों से बचाते हैं। नंबर 2, क्लाइव स्टैंडर्ड। क्लाइव स्टैंडर्ड को हॉलीवुड का सबसे बेहतरीन अभिनेता कहा जाता है। इन्होंने वाइकिंग वेब सीरीज में रोलों का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की थी। इन्होंने वाइकिंग के लिए अपना पूरी तरह से लुक ट्रांसफॉर्म कर लिया था, क्योंकि ये अपनी शुरुआती फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में काफी स्किनी थे। वही वाकिंग वेब सीरीज के लिए इन्होंने काफी ज्यादा वेट फुट किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लाइव स्टैंडर्ड नमस्ते लंडन फिल्म में एक नेगेटिव रोल के लिए देखे गए थे, जो कैटरीना कैफ से शादी करना चाहते थे। नंबर 3, क्रिस्टोफर डकन। बॉलीवुड की सबसे विवादित फिल्म कही जाने वाली माई नेम इज खान में क्रिस्टोफर डकन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का किरदार निभाया गया था, जो की फिल्म के अंत में वह शाहरुख खान की तारीफ में यह डायलॉग बोलते हैं, यस यू आर अ खान एंड यू आर नॉट अ टेररिस्ट। फिर क्या था, इस फिल्म के इस डायलॉग के लिए काफी ज्यादा बवाल मचा था और कई सारे मीडिया चैनलों ने आतंकवादी संगठनों में खान सरनेम वाले आतंकवादियों की लिस्ट को खूब स्क्रीन पर दिखाया था। नंबर 4, पॉल ब्लॉकथ्रोन। फिल्म लगान में 3 गुना ज्यादा लगान भरना पड़ेगा, यह डायलॉग खूब फेमस हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में पॉल के रोल के लिए उन्हें इंडियन ऑडिशन में खूब खरी खोटी सुननी पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में यह सफाई दी थी कि वह केवल स्क्रिप्ट के अनुसार अपनी एक्टिंग कर रहे थे और उन्हें भारत के लोगों से बहुत ज्यादा प्यार और वह अंग्रेजी नीतियों के पूरी तरह खिलाफ है। नंबर 5, टोबी स्टीफेंस। अगर किसी फिल्म में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे सटीक पिक्चर बनी थी तो वह फिल्म मंगल पांडे मानी जाती थी। इस फिल्म में मंगल पांडे का किरदार आमिर खान द्वारा निभाया गया था और उन्होंने एक अंग्रेजी सैनिक का किरदार निभाया था, जो कि भारतीय क्रांति वीरों को खूब उत्पीड़ित कर रहा था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाता है और वह अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर देता है। इस फिल्म में टोबी स्टीफेंस ने पॉजिटिव किरदार निभाया था और उन्होंने आमिर खान का साथ दिया था। आपने 5 फिल्में देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना।